दोस्तों नमस्कार। इस समय एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, किसानों की ओर से यहां पर एक याचिका दायर करके मांग की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया जाए दिल्ली, और यहाँ पर तिहाड़ भेजने की मांग की गई है आशीष मिश्रा को। आपको बताते चलें, आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है, जिसके बाद यहां पर राजनीतिक दबाव बीजेपी पर और भी बढ़ने लगा है, और बीजेपी आलाकमान को यह तपन महसूस होने लगी है। इस तपन से बचने और उससे पार्टी के राजनीतिक नुकसान को बचाने की मशक्कत और सलाह मशविरा अब शुरू हो गया है। वहीं लखीमपुर मामले पर अदालत ने अब आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बताते चलें, सुनवाई के दौरान एसआईटी ने 14 दिनों के रिमांड की मांग की थी। वहीं दोस्तों इस बीच अब याचिका दायर करके मांग उठी है कि दिल्ली केस ट्रांसफर किया जाए। यूपी में इस केस को प्रभावित कर सकती है बीजेपी सरकार। अगर दोस्तों यह मामला दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है तो आशीष मिश्रा का नया घर होगा तिहाड़ जेल। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही थी। इस समय 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है अदालत ने लखीमपुर मामले पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।